ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना करती है। क्या आदि पुरुष टोटली रामायण पर बेस्ड है? क्या है रामायण से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। रामायण और महाभारत हिंदू माइथोलॉजी की वो एपिक स्टोरीज है जिसे इंडियन पब्लिक ने लाखों हजारों बार देखा, बड़े बूढ़े बच्चे सब ने देखा और सुना है, पर जब भी देखा उतने ही इंथुसियाज्म से देखा और सुना है, इसलिए इनसे इंस्पायर्ड फिल्में भी खूब चली और पब्लिक के दिल पर छाप छोड़ गई। बाहुबली और हम साथ साथ जैसी आइकॉनिक फिल्में रामायण की स्टोरी से ही इंस्पायर्ड है। पर जब रामायण से इंस्पायर्ड फिल्में इतनी हिट हुई तो क्या होगा जब एक्चुअल स्टोरी को बड़े पर्दे पर डेपिक किया जाएगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म आदि पुरुष की, जो कि शायद बॉलीवुड की अब तक की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के कैरेक्टर से लेकर स्टोरी लाइन सब रामायण से सिमिलर है। मेन लीड रोल में हमारे डार्लिंग सुपरस्टार प्रभास एस राघव मतलब राम, और उनके साथ जानकी यानी सीता के रोल में दिखेंगे कृति सैनन, और नेगेटिव रोल में है सैफ अली खान एज लंकेश यानी कि रावण। और रामायण की कहानी तो सबको पता ही है, पर फिर भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगे। चलिए जानते हैं क्या है वो फैक्ट्स। ये तो आप बड़े अच्छे से जानते होंगे कि श्री राम विष्णु भगवान के अवतार थे और लक्ष्मण जी उनके शेषनाग के अवतार थे, पर क्या आप जानते हैं कि भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे? तो भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु की सुदर्शन चक्र और शंख के अवतार माना जाता है। क्या आपको पता है कि श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण 14 साल के लंबे वनवास के दौरान सोए नहीं थे? उन्होंने निद्र की देवी से ये वरदान मांगा था कि उन्हें 14 साल तक नींद नहीं आए, ताकि वो अपने भैया भाभी की सुरक्षा कर पाए। क्या आपको ये पता है कि रावण को रावण नाम किसने दिया था? तो रावण को रावण नाम दिया था खुद भगवान शिव ने। जब रावण ने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की थी और शिव के पैर टिका लेने से उसकी उंगलियां पर्वत के नीचे दब गई थी, तब भी वो अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए तांडव स्तोत्र गाने लगा। तब इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव जी प्रकट हुए और दर्शन दिया। इसके बाद उन्हें रावण नाम भी दे दिया, इसका मतलब होता है जिसकी दहाड़े तेज हो या तेज गरजने वाला। तो ये थे कुछ फैक्ट्स रामायण के बारे में। क्या आदि पुरुष में ये सब कुछ देखने को मिलेगा? क्या आदि पुरुष में मिलेंगे हमें बाकी देवी देवताओं के भी रूप? ये तो वक्त ही बताएगा। हमें आप बताएं कि रामायण का कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट है और इनमें से कितने फैक्ट्स आपको मालूम थे, कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।